नाम कबीर देन है, वार्ड नंबर 8 से बतौर पेंच। हमें सबसे बड़ी परेशानी हमें सर रोड की है। रोड हमें अढ़ाई कट्ठा से उधर से अर्थ कटिंग का होके आई है, 9 किलोमीटर रोड बनती है। हमें यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर रोड ऊपर आती है। यहाँ पे सबसे इस वक्त जो हमारी परेशानी है पंचायत की, यहाँ पे जो इन्होंने पिछली पंचायत ने प्लान रखा है यहाँ पे टाइल वर्क का प्लान रखा है यहाँ पे। आप देखो 200 रुपये एक फुट यहाँ पे बजरी या रेत पहुँचती है, तो आप बताओ हम यहाँ पे टाइल वर्क कैसे करेंगे। हमारे साथ पंचायत ने या सेक्रेटरी ने या जनाब बीडी साहब ने या जिन लोगों ने ये प्लान बनाया है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी किया इस आवाम के साथ। इनका गला काट के रख दिया इन लोगों ने। ये गरीब लोग कहीं पे कोई सड़क बनाते, हमारे पानी की हालात आपने देखी, हमारे सड़क की हालात आपने देखी। वो सड़क तो चलो गाड़ी की दूर की बात है, पैदल चलने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं इस काम से जनाब ने, कि इन्होंने ये टाइल वर्क रख दिया है। हम इस टाइल वर्क को कराएं कैसे, लाएं यहाँ पे टाइल कैसे। यहाँ पे अगर घोड़ा हम लाते हैं तो 400 रुपये एक घोड़े का देना पड़ता है हमें, तो फिर यहाँ पे टाइल कैसे आएंगी, काम कैसे होगा। रास्ते के लिए लोग परेशान हैं, मेन प्रॉब्लम जो है रास्ते के लिए परेशान है। उसके बाद ये आवाम जो है जनाब अली, ये राशन के लिए परेशान है। पिछले 3 महीनों से इन लोगों को राशन नहीं मिला है, क्योंकि राशन जब हम तहसीलदार साहब के पास जाते हैं जनाब अली, टीएसओ साहब के पास, ये नए आए हैं, लेकिन उन्होंने जनाब अली 3 महीने से हमारा राशन बंद करके रखा है। 1 महीने का हमें दे दिया, कभी हमें 1 महीने का दे देते हैं तो 2 महीने का खा जाते हैं, 2 महीने का देते हैं तो 1 महीने का खा जाते हैं। परमानेंट तोड़े जो है चल रहे हैं बाजार में ब्लैक रेट पे, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। कार्ड वाले लोग परेशान हैं हमारे कार्ड में, ठोस सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने मेरे से सबूत लेना हो, मैं कार्ड लेकर आऊंगा और कार्ड के ऊपर देखो जनाब अली इन्होंने कितना राशन दिया, लोग कितने परेशान हैं इससे। उसके बाद हम पीरा पंचायत में पढ़ते हैं, मूरी डोबा जनाब अली, हम उस साइड से भी कटे हुए हैं, इस साइड से भी कटे हुए हैं। हमें जनाब अली उस साइड से अगर कोई काम आता है जनाब अली, वो उसी पंचायत में उधर ही ख़त्म हो जाता है, तो वार्ड नंबर 8 और 7 जो है ये ऐसे ही रह जाती है। पिछले 70 सालों से हमारे साथ यही नाइंसाफ़ी होती आ रही है, लेकिन इस बार अगर जनाब हमें सबसे बड़ी परेशानी हमारी यहाँ पे एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी। 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर रात के अमल में अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है तो रात को हमें 4 बंदे या 5 बंदे ढूंढने पड़ते हैं। हम यहाँ से इसको रोड पे या हॉस्पिटल तक जाते जाते वो बंदे की डेथ हो जाती है। इसलिए जनाब मैं जनाब CMO साहब से गुजारिश करता हूँ, हमने MLA साहब से भी कहा, हमने CMO साहब ने हर जगह इसकी मांग की, अगर जनाब ये एक डिस्पेंसरी हमें यहाँ पे मिल जाए तो ये लोग कम से कम अगर कुछ नहीं चलो कोई इंजेक्शन वगैरह तो लगा दे जनाब अली, बंदा कम से कम बच जाए, बंदा जनाब वहाँ जाते जाते तो कम से कम उसको इंजेक्शन लग जाए तो वो हम वहाँ पहुँचा सकते हैं। उसके बाद हमें जनाब अली एक कमेटी हाल की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत यहाँ पे डिस्पेंसरी की ज़रूरत है जनाब अली। उसके बाद हमें रोड की ज़रूरत है। PHE की हालात तो आपने देखी, पानी 1970 से बाद जनाब जो पाइपें लगी थी उसके बाद आज तक रिपेयर नहीं हुई हो सकी जनाब अली वो पाइपें। उसके बाद ये खंभे जो हैं जनाब अली हमें नहीं है, जहाँ पे खंभे हैं वहाँ पे तार नहीं, जहाँ पे तार हैं वहाँ पे खंभे नहीं है। बहुत परेशानी है इन लोगों की जनाब। सबसे हमारी रिक्वेस्ट ये है जनाब, हमारी रोड वाला हुकाम से हम ये कहना चाहते हैं जनाब DC साहब अगर जनाब हमारी कुछ हेल्प कर दें इस रोड के मामले में। ये हमारा जनाब थ्रू होने के लिए रोड कोई 600-700 मीटर रही है टोटल, अगर ये थ्रू हो जाए तो इन लोगों की ये परेशानी हल हो जाए जनाब। बहुत